अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वन प्लस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद फहद। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर में, जिसको जनूबी पंजाब का नंबर वन कॉलेज कहा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। और इस वक्त हमारे साथ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जश्न बहारा के रंग सजे हुए हैं और बहुत ही प्यारा फ्लावर शो सजाया गया है यहाँ की इंतजामिया से। हमारे साथ मौजूद हैं इदारा हाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शकील पिताफी साहब, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी सर, ये आपने फ्लावर शो सजाया इतना प्यारा, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ जी, ये जो कुछ है आपको नजर आ रहा है, ये 8वां फ्लावर शो है जो इस साल हमने किया है। तो इसमें इस साल 50 वैरायटीज के फूल हैं और 126 कलर हो जाते हैं। इसमें पेटोनिया है, पेंजी है, मैरीगोल्ड है, गजानिया है, डाइएंथस है, डाइमोर है, एंटीनियम है और भी बहुत सारे फूल हैं जो रंगारंग खुशबू से महक रहे हैं। और ये कॉलेज का हुस्न है जो पूरे पंजाब में फैला हुआ है। और हर साल की तरह इस साल भी एक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, बहुत ज़्यादा ट्रिप आए जिनमें स्कूलों के, कॉलेजों के, मुख्तलिफ अदारों के वो देखने आए। डायरेक्टर कॉलेजेस शेख फयाज़ अहमद साहब ने इसका इफ्तिताह किया था और फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने दूसरी मरतबा इसका इफ्तिताह किया और सरदार फारूक अमानुल्लाह खान ने तीसरी मरतबा इसका इफ्तिताह किया। तो ये मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ अवकात में इस फ्लावर शो के इफ्तिताह होते रहे। और मैं समझता हूँ कि इस अदारे का ये हुस्न है, जहाँ एक अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत से मुज़य्यन है ये कॉलेज, वहाँ खूबसूरत फूलों का गहवारा भी है। शुक्रिया सर। और सर, गुज़िश्ता रोज़ आपने एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी की है, एक रिकॉर्ड टाइम किया है, उसके बारे में भी कुछ आप बताएं। हाँ, ये खुशनसीबी है हमारी कि हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, जिसमें गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी थे, 30 सेकंड में 300 पौधे जो हैं वो उन्होंने लगाए हैं, जिसमें सुखचैन है, अर्जुन है और जामुन है, बेरी है और उसके अलावा और भी बहुत सारे दरख्त। तो 30 सेकंड के अंदर इन बच्चों ने 300 पौधे लगाए हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नायक साहब यहाँ मौजूद थे, सरदार फारूक अमानुल्लाह खान MPA राजनपुर यहाँ मौजूद थे, और भी आफिसरान थे, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। तो ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। वैसे भी इस कॉलेज के अंदर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रूटी प्लांट हैं यहाँ तकरीबन 250 के करीब। तो अनार हैं, इसमें शहतूत हैं, सिट्रस है सारा, अमरूद हैं, आम हैं और खजूरों का एक बाग है जिसमें अजवा है, सुकरी है, रताना है, मैब्रूम है। तो अच्छी अच्छी वैरायटीज़ की खजूरें जो हैं वो हमने इस कॉलेज के अंदर लगाई हुई हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ इदारा हाजा के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर कलीम अख्तर कुरैशी साहब भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में तकरीबन कोई 10 दिनों से ये फूलों की नुमाइश लगी हुई है, जिसमें हमारे इदारे के तलबा और तालिबात भी यहाँ पे इन फूलों की नुमाइश से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं।
या गैर निसाबी सरगर्मियाँ हों और या ये हमारी फ्लावर शो जो आप देख रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा हमारे लिए इज्जत अफजाई और हमारे लिए एजाज़ है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हमारे स्टेक होल्डर्स जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्हें इस नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया। 30 सेकेंड में 300 पौधे लगा कर बच्चों ने जो है वो इकदाद वसूल की है और यकीनन ये सारी काविशें और सारी मेहनतें इस इदारे के प्रिंसिपल और स्टाफ और हमारा जितना भी माइनर स्टाफ है वो इसमें पेश है। और इंशाल्लाह अगले हमारे आने वाले इवेंट्स में गोल्डन जुबली की तकरीबात भी आ रही हैं, जो कि डॉक्टर शकील कुताफी साहब ने 50 साल तकरीबात के इनाकात का ऐलान किया है। जो ही कोविड के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह होंगे इस इदारे में 2 रोज़ा और 3 रोज़ा गोल्डन जुबली तकरीबात मुनाकिद होंगी और बच्चे जो है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर और मुख्तलिफ कल्चर शो के अंदर जो है यहाँ रंगारंग तकरीबात में आपको नजर आएंगे। तो नाज़रीन कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह। किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं? BS इंग्लिश। ओके, आपसे तो इंग्लिश में बात करनी पड़ी। ऑफ कोर्स। ओके, सो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश लिटरेचर। Okay. Recite some favorite verses of Shakespeare. Shakespeare is my favorite, and I can recite some verses of Hamlet. That is dramatic monologue. These are to be or not to be. That's the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous passion, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep. Okay, how about the discipline? How about the environment? Environment is charming and discipline is extraordinary. I cannot find the word to describe the discipline here. The students, other students, which are my friends of universities, when they observe the discipline of this college, they are taken aback that in this area, such a college. Thank you so much for your views.